हेलो गाइस, बेटे आज हम पोएट लुरेट के बारे में बताएंगे। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो पोएट लुरेट्स थे वे कौन थे। तो जो पोएट लुरेट्स हैं उन्हें हम राष्ट्रीय नेशनल पोएट भी कहते हैं। जैसे भारत में भी नेशनल पोएट बने हैं, इसी प्रकार जो है इंग्लैंड में भी राष्ट्र कवि बने हैं। जैसे भारत में जो है रामधारी सिंह दिनकर पहले राष्ट्र कवि हुए, तुलसीदास हुए, तो इसी प्रकार इंग्लैंड में भी जो है राष्ट्र कवि बने हैं। तो इसमें से कई बार जो है टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहले जो राष्ट्र कवि थे वे बेन जॉनसन थे। बहुत बड़ा नाम है बेन जॉनसन का हिस्ट्री इंग्लिश में, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है ये अनऑफिशियल पोएट थे। ये बेन जॉनसन जो थे ये अनऑफिशियल पोएट थे। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1616 से रहा इनका। अब दूसरे जो अनऑफिशियल थे ये भी सर विलियम डेवनेंट, ये भी जो है हमारे कहते अनऑफिशियल पोएट थे। देखिए, इसमें यदि क्वेश्चन पूछता है कि अनऑफिशियल पोएट पहले कौन थे, तो बेन जॉनसन थे। अब यदि क्वेश्चन वो पूछता है कि पहले ऑफिशियल पोएट कौन थे, तो देखिए अब क्वेश्चन बदल जाएगा कि पहले ऑफिशियल पोएट जो हुए हमारे वे जॉन ड्राइडन हुए। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। यदि ऑफिशियल पूछता है तो जॉन ड्राइडन है, यदि अनऑफिशियल पूछता है पहले तो वो बेन जॉनसन है हमारे। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर जो है। उसके बाद में जो है देखिए थॉमस सिडवेल हुए जो 1689 से 1692 तक हुए। उसके बाद में नेहू चेल हुए जो 1692 से 1715 तक। उसके बाद हुए निकोलस रॉय जो 1715 से 1780 तक हुए। नेक्स्ट हुए रॉब लोरेंस ओस जेन जो 1718 से 1730 तक हुए। उसके बाद कार्ले कीबर, ये 1730 से 1757। विलियम वाइट हेल्ड। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा। यहाँ पर जो है देखिए कई बार जो है कुछ पोएट ने रिफ्यूज़ल कर दिया था। अब ये पूछ सकते, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है यहाँ पर कि जो विलियम वाइट हेड जो थे वे किसके रिफ्यूज़ल पर कवि बने थे, तो ध्यान रखें थॉमस ग्रे। देखिए, जो थॉमस ग्रे को जो है पोएट लुरेट बनाना चाहती थी गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके स्थान पर जो है विलियम वाइट हेड जो है ये पोएट बन गए थे 1757 से 1785 तक। नेक्स्ट हमारे रेव थॉमस वॉल्टन। अब देखिए ये भी रिफ्यूजल पर बने थे। ये किसके रिफ्यूजल पर बने थे, विलियम मिशोन के रिफ्यूजल पर बने थे। नेक्स्ट हुए हेनरी जेम्स पे, ये 1790 से 1830 तक हुए। रॉबर्ट साउथ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया बेटे कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले जो नेशनल कवि थे वे कौन थे, तो रॉबर्ट साउदे, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट साउदे थे। अब देखिए किसके रिफ्यूजल पर वे कवि बने थे, सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट को बनाना चाहती थी वहाँ की गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए रॉबर्ट साउदे को जो है कवि बनाया गया था 1830 से 1843 तक। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी जो है हमारी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके नेक्स्ट बाद हुए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखिए हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ की भी एज उस समय देखिए काफ़ी हो रही थी, उन्होंने भी मना कर दिया था एक बार पोएट लुरेट के लिए, फिर बाद में उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो ये जो पोएट लुरेट रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से, कब से कब तक रहे ये। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1840
43 से 1850 तक पोएट लुरेट रहे इंग्लैंड में। ये इसके बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए, ये 1850 से 1892 तक हुए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है जो पूछा जाता है यहाँ, एक तो विलियम के आगे पीछे दोनों जो पोएट है, एक तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो गए और हमारा रॉबर्ट साउदे, ये तीन जो है हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो है उठा लिया जाता है। किसके रिफ्यूज़ल पर बने, ये भी एक देखिए इम्पोर्टेंट है, वाल्टर स्कॉट, सर वाल्टर स्कॉट के उस पर बने थे हमारे रॉबर्ट साउदे। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रिज, ये 1913 से 1930 तक रहे। जॉन मेसफील्ड, ये इन देखिए इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था, इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था, जैसे कि हमारे एक कवि एक पोएट को दिया गया था, जो हमारे टीजीटी में कई बार पूछ लिया जाता है कि उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार देखिए बहुत कई बार जो है पूछा गया कि जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो किस साल में उनको दिया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है पेपर में भी आया है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है कब उनको दिया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। जो जॉन ग्लॉसवर्दी जो थे हमारे ये लास्ट जो टीजीटी में जो है 4 राइटर है, तो उनमें से जॉन ग्लॉसवर्दी है, उन्हें भी ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो है इसे। नेक्स्ट है हमारा जो है देखिए जॉन मेसफील्ड हो गया ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो इसमें से कोई शायद क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है वो हमारा रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनमें से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी तक क्वेश्चन जो पूछेगा या तो इनमें से क्वेश्चन पूछेगा वो, या फिर क्वेश्चन जो पूछेगा ये पहले और दूसरे, ये क्वेश्चन बेन जॉनसन हमारे ऑफिशियल हुए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये यहाँ से बेन जॉनसन तक, ये अनऑफिशियल पोएट थे, और जो पहले ऑफिशियल पोएट हमारे हुए हैं वे हमारे या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जॉन ड्राइडन, हमारे पहले ऑफिशियल पोएट थे, क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाता है। तो फोर टाइप के क्वेश्चन इसमें जो है बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।